सकते हैं यहाँ पे आंसू गैस के गोले हैं, जो टकराव की स्थिति है तो देख सकते हैं, टकराव की स्थिति है जो हो चुकी है तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं लगातार छोटे जा रहे हैं भाई। देखो तो अब आगे देखो, बिल्कुल जब किसानों को खदेड़ने का काम किया जा रहा है। आपकी लीडरशिप आकर रहेगी, उसके बाद आप पीछे पीछे चलोगे, अगर गोली खानी पड़ेगी तो सबका पहला आधा गोली खाओगे। तो फिलहाल आप है जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं, जो हरियाणा बॉर्डर है पंजाब के किसान जो आए हैं उनको जो यहीं पर रोका गया है, जो पंजाब के किसान है जो दिल्ली कूच कर रहे हैं उनको यहीं पर रोका गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेटिंग की गई है और आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर दाबके गए हैं। आप देख रहे हैं पानी पड़ा है जो वो, यहाँ पर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जवान है जो आगे किले गाड़ी गई है और कई लेर में बैरिकेटिंग की गई है, कंटीले तार लगाए गए हैं और पीछे आप देख रहे हैं किस तरह से मिट्टी से कट्टे वर्क भी लगाए गए हैं। तो और धारा 144 भी लगा दी है कि धारा 144 यहाँ पर लागू की गई है। कितनी सख्ताई से जो प्रशासन है और दूसरी तरफ किसान है जो बड़े जोश और बड़े जज्बे के साथ है जो लगातार चल रहे हैं। बताया गया कि 5000 ट्रैक्टर है जो किसान लेकर चल रहे हैं और 5000 ट्रैक्टर लेकर जो आए हैं काफिले के साथ। तो देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर किसान पहुँचे हैं और पूरी अपडेट हम आपको यहाँ की दिखाने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान भारी संख्या में यहाँ पर किसान पहुँचे हैं, हरियाणा के किसान भी यहाँ पर पहुँचे हैं और तो देख सकते हैं यहाँ पर। और आगे की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो सामने जो बॉर्डर है, और दिल्ली बहुत दूर है जिस तरह से हरियाणा बॉर्डर बनाया गया है। हरियाणा बॉर्डर को देखते हुए है जो दिल्ली बॉर्डर बहुत दूर है, क्योंकि हरियाणा का बॉर्डर या जो क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होगा। जिस तरह से प्रशासन सख्ती के साथ खड़ा और प्रशासन का कहना यह है कि हरियाणा में बिल्कुल भी एंट्री नहीं करने देंगे पंजाब किसानों की, लेकिन दूसरी तरफ किसान भी है कि हम बैरिगेट है जो रास्ता बिल्कुल खोल देंगे और बैरिगेट है जो बिल्कुल हटा देंगे, ट्रैक्टर हो या चाहे करें किसी भी तरीके से हटाने पड़े तो हम उनको हटाने का काम करेंगे। और जो आंसू गैस के गोले पड़े हैं तो देख सकते हैं किस तरह सड़क में भी है जो छेद कर दिया है, अगर किसी के सिर में लग जाता तो सिर को फाड़ देता। तो देख सकते हैं और इसकी जो गैस होती है वो बड़ी जहरीली होती है, सांस लेना बंद हो जाता है, आँखों में जलन हो जाती है जो इसकी गैस है। और देख रहे हैं आप लगातार जो किसानों की लगा और मीटिंग में चल रही किसानों की, पर सरकार प्रशासन के साथ उसमें क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन किसान है जो पूरी तैयारी में है। और देख सकते हैं आप ऊपर है जो खड़े हुए हैं, ये जो हरियाणा शुरू हो गया है नरवाना 22 किलोमीटर, जींद 62 किलोमीटर है, और इस बॉर्डर पर है जो तैनात हैं और बिल्कुल स्थिति है जो तनावपूर्ण है जिस तरह से प्रशासन वहां पर है, प्रशासन का कहना है। और आपने देखा है पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस है, हरियाणा पुलिस, जींद पुलिस और कई जिलों की पुलिस बुलाई गई है, हरियाणा पुलिस के जवान हैं और साथ में पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पर तैनात है। और आंसू गैस की बात करें तो और वाटर कैनन की बात करें या फिर और भी संसाधन है तो सारे के सारे प्रशासन ने अपनाए हैं कि किसानों को किसी भी तरह के तो रोका जावे और आगे नहीं जाने दिया जावे। तो आप देख सकते हैं लेकिन किसान है लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और किसान है जो बिल्कुल आर पार के मूड में है कि हम दिल्ली जाएंगे, हमारी मांगों को लेकर जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानती हम दिल्ली जाएंगे। और जिस तरह से एक ऐतिहासिक आंदोलन चला था 13 महीने, उसी तर्ज पर है जो किसानों ने अपना रुख बना लिया है, ट्रैक्टर ट्रैलियों के साथ हजारों की संख्या में ट्रैक्टर यहाँ पर आए हैं और बता दें आपको साथ में राशन पानी का प्रबंध भी पहले की तरह कर दिया है। और ये पंजाब है भाई, ये पंजाब शुरू हो गया, आगे इस तरफ हरियाणा, हरियाणा पंजाब के बीच का ये रास्ता है। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बस थोड़ी दिक्कत यह है कि नेट बढ़िया तो नेट नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, नेट यहाँ पर भी नहीं चल रहा। हरियाणा के तो 7 जिलों में बिल्कुल नेट बंद है, लेकिन पंजाब की बात करें तो इस एरिया में भी आज नेट नहीं चल रहा।
अपनी तरफ से कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी लीडरशिप आकर आएगी, उसके बाद आप पीछे पीछे चलोगे। अगर गोली खानी पड़ेगी तो सबसे पहला आपका गोली खाएंगे। एक बार हाथ खड़े करके बता दो, शांतिपूर्ण रखोगे अपनी बातें। अगर शांतिपूर्ण रहे तो मोर्चे की जीत पक्की है। सरकार अपने कुछ आदमी बीच में घुसा के हिंसा कराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपने बेकारों में नहीं आना। मैं प्रार्थना करता हूँ सरदार प्रकाश सिंह कोठला जी से 3-4 मिनट में आपका संबोधन करेंगे, उसके बाद आपकी लीडरशिप आगे चलेगी, इसके पीछे पीछे आपने चलना है। सरदार प्रकाश सिंह कोठला जी नौजवानों तारा में जान की लौड़ नहीं, ना इधर जान की लौड़ नहीं। अपने मंगल में इकला सारे। पहली गल तो यह प्रशासन है ऑटोमैटिक आपका जरा सा रास्ता खोल दो। हमे हमे छोटे हक के हाई कोर्ट के हरियाणा सरकार झाड़ा पे किसान 13 तरीक न आ रहे हैं। 9 दे रोड बंद किए हुए छोटी थोड़ी जी जित वाल बढ़ रहे हैं। आप जान तो लेके असी मूहे जावा प्रशासन को बेनती है कि तुम रास्ता आप खोल दो, नहीं साढ़े नौजवान असी मूहे होके आपे खोल लेंगे। हमेशा सरकार की कोच होंगी आप खड़ा की आप खिंडना नहीं। जो अपने ट्रैक्ट है उन्होंने मूहरों लावे, टोकन भी है अपने को आप खिंच के परे करा। पर तुम आपका जरा सड़क सड़क नहीं खाली करनी, साढ़े को गोलियां मारनिया लाठियां मारनिया आखू में सीधे सीधे। पर असी कहने हूं ही जरा खेती मंत्री का बयान आया असी गलबात तैयार हाँ, तो किसान कदे गलबात भजे नहीं। साढ़े दोनों फोरमां के आगू थमे वाले बाटर से बंदेर सिंह डल्लेवाल साहब दोनों उठे ने तड़के ने 8 बजे ने आखू में सीधे लगे ने। इन पैसों के नाल किसानों दी मंगा मनिया जा सकदियां ने, पर किसानों नूं पता नहीं की दिखाना चाहते हैं। तो यह जरा लोगों का दोष लोगों दी मंगा वह जरा 2020 तो लग्या होया मोर्चा अज जुड़े लोग खास करके कैबिनेट विचारधारा वाले लोग जेड़े कहते सी मुड़के नहीं कट होना, लोगों ने दिल्ली नहीं जाना। आ देखो भरावो रोड भरे वा दादा भी मिल देखो किसान आगू सेवा चाहिए, लोगों सेहत ठीक चाहिए है। मंगा है मंगाइया जा सकती अज लखनऊ का वेला मजबूरिया सरकार ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਵੇ ਦੁਕਰੀਆ।